तो दोस्तों कैसे हो आप। ड्रॉप शिपिंग का ये बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको ड्रॉप शिपिंग का जो कोर्स करवा रहा हूँ क्या आपकी समझ में आ रहा है कमेंट करके नीचे बता दो कि अगर आपकी समझ में आ रहा है तो। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कैसे आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, कैसे अपने लिए विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, पूरे इस ई कॉमर्स के वर्ल्ड में आपके लिए कौन सा विनिंग प्रोडक्ट हो सकता है वो आपको सर्च करना है। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कैसे आप ओवेडलो की मदद से अपने शॉपिफाई के स्टोर पे प्रोडक्ट इंपोर्ट करोगे, कैसे उनके प्राइस सेट करोगे, कैसे सारी सेटिंग्स करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो उसके लिए चलना पड़ेगा आपको मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐड कैसे करना है मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा, कोई भी स्टेप मिस मत करना, बहुत ध्यान से इस वीडियो देखना। तो चलो देर नहीं करते हैं, चलते हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने शॉपिफाई के स्टोर पर, वेबसाइट पर कैसे आप प्रोडक्ट ऐड करोगे अली एक्सप्रेस से। देखो ये जो सारा काम होने वाला है वो एक एप्लीकेशन के थ्रू होने वाला है जिसका नाम है ओवेडलो। तो सबसे पहले हम चलेंगे ऐप्स में, यहाँ हमारा ऑप्शन आ रहा है ऐप्स का, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये हमें कुछ इस तरीके से डिस्प्ले शो होगा, फिर सीधे जाएंगे हम विजिट द शॉपिफाई ऐप स्टोर। जैसे ही हम इसके ऐप स्टोर पाएंगे तो यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं ओवेडलो, बट हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इतनी फेमस एप्लीकेशन है कि हमें शॉपिफाई सजेशन में ऊपर ही दे रहा है। तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे ऐड ऐप पे क्लिक करके। हमारा शॉपिफाई का ऑलरेडी लॉगिन है इस वजह से हमें सिर्फ यहाँ पर अपनी ऐप को ऐड कराना है। इसको यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे और ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हो, अगर आप इसमें ऐप्स पे जाओगे एक बार इसको रिफ्रेश कर लो तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी ओवेडलो। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली, कुछ ही हमने क्लिक करे वहाँ से इसको ऐप को इंस्टॉल करा तो हमारा अकाउंट ऑटोमेटिकली बन चुका है। आप मेरा नाम देख सकते हो, स्टोर का नाम देख सकते हो यहाँ पर नीचे, डीडी डिस्काउंट स्टोर जो हमने नाम रखा था अपने स्टोर का। और अब इसकी सेटिंग पे चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा हमें इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे, एक बार देखना पड़ेगा सारी चीज़ों को कि इसकी सेटिंग में जाके। तो एक बार इसकी सेटिंग पे चलते हैं, कुछ जो रिक्वायरमेंट है चेंजेस की वो कर लेते हैं। यहाँ हम डाल देते हैं अपने स्टोर का नेम, ओके, सेट न्यू प्रोडक्ट एज पब्लिश्ड अभी हमें नहीं करने हैं, मैन्युअली पब्लिक करेंगे। टैक्स की अभी बात नहीं करेंगे हम, केजी में हम वेट दिखा रहा है हमारा लेकिन हमने वहाँ पर ले रखा है। ओके, नेक्स्ट सेटिंग पे आते हैं, नोटिफाई कस्टमर्स अबाउट शिपिंग ऑर्डर, सेंड ए नोटिफिकेशन ईमेल टू कस्टमर व्हेन द ऑर्डर गेट फुलफिल और ट्रैकिंग नंबर गेट अपडेटेड, नोटिफाई कर देंगे इसको। ऑटो अपडेट पे हम देखेंगे क्या क्या है, व्हेन प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर अवेलेबल सेट क्वांटिटी टू जीरो, ठीक है, जब प्रोडक्ट नहीं होगा अवेलेबल तब इसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी हमारे स्टोर पर भी। व्हेन वेरिएंट इज नो अवेलेबल सेट जीरो, अगर वेरिएंट अवेलेबल नहीं है तब भी जीरो हो जाएगा। व्हेन द कॉस्ट चेंज, जब कॉस्ट चेंज होगी तो हमें नोटिफाई कर दें ताकि हम भी उसको अपडेट कर सकें, ऑटोमेटिक अपडेट ना हो, ठीक है, क्योंकि कुछ में प्राइस ऐसा होगा ना तो हम चेंज करना नहीं चाहेंगे, शायद वहाँ पर थोड़ा सा ही डिफरेंस हुआ हो, मतलब 50 सेंट्स का या $1 का, तो वो हमारे लिए शायद इतना नुकसानदेह नहीं होगा, तो हम उसको मैन्युअली एक बार चेक कर लेंगे, अगर वो हमें लगेगा हमें चेंज करना चाहिए तो हम चेंज कर सकते हैं उसको, तो इसीलिए मैंने इसको नोटिफाई कर दिया। वैन इन्वेंट्री चेंज नथिंग, अपडेट ऑटोमेटिकली कोई नहीं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं अभी के लिए। ग्लोबल प्राइसिंग रूल पे आते हैं, यहाँ हम कर देंगे 3 और यहाँ कर देंगे 5। अब ये समझ लो ये है क्या, प्रोडक्ट कॉस्ट योर प्रोडक्ट प्राइस, मतलब जो प्रोडक्ट कॉस्ट हमें अली एक्सप्रेस से मिलेगा हमें उसका यहाँ पर प्राइस जो इम्पोर्ट होगा वो 3 टाइम बढ़ जाएगा, मतलब अगर $5 का हमें कोई प्रोडक्ट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली ओवेडलो उसको $15 कर देगा, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 5 योर प्रोडक्ट कंपेयर प्राइस, मतलब अगर हमने अपने स्टोर पर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो वो सॉरी प्राइस $10 रखी है तो ऑटोमेटिकली जो कंपेयर करेगा वो $50 से करेगा, मतलब $50 को काट के वो $10 हमें शो करेगा। अब अगर हमें जैसे सेंड में कुछ असाइन करना है, जैसे मतलब हम दिखाते हैं कि $10.99, तो इस तरीके से हम यहाँ पर उसको सेंड को भी साइन करते हैं कि ताकि वो हर प्राइस के आगे ऑटोमेटिकली लग जाए। सेव सेटिंग कर देंगे, अगर आप सेव सेटिंग हर पेज पर नहीं करोगे तो वो पेज सेव नहीं होगा, आपको दोबारा से सेटिंग करना पड़ेगी। अब चलते हैं सप्लायर्स पे, इस पर क्लिक करेंगे अली एक्सप्रेस। अभी आप जहाँ देख रहे हो ना
क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉलर, इस पे हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कंट्री की, हमें किस कंट्री में करना है। तो यूनाइटेड स्टेट, शिपिंग मेथड ई पैकेट, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको ई पैकेट कर देंगे। फ़ोन नंबर आप ना डालना चाहते हो डाल सकते हो। अब एक चीज़ देखो यहाँ कस्टम नोड, ड्रॉप शिपिंग का ये बेनिफिट है, ये एप्लीकेशन जो है ना, जब भी आपको कोई प्रोडक्ट आप परचेज करोगे इसके थ्रू, तो ये एक नोट भेज देगी सप्लायर को कि इस पे आपको अपना लोगो या अपना ब्रांड नेम यूज़ नहीं करना है, कोई प्रमोशन कोड यूज़ नहीं करना है, कोई QR कोड यूज़ नहीं करना है, ताकि कस्टमर को ये पता ना चले कि उसका प्रोडक्ट आया कहाँ से है। तो एक इसमें कस्टम नोट पड़ा हुआ है जिसको एज इट इज हम छोड़ देंगे। आई एम ड्रॉप शिपिंग, प्लीज डू नॉट पुट एनी इनवॉइस, QR कोड, प्रमोशन और योर ब्रांड नेम लोगो इन द शिपमेंट। प्लीज़ शिप एज सुन एज पॉसिबल फॉर रिपीट बिजनेस, थैंक यू। इस नोट को ऐसे ही रहने देंगे और इसको सेटिंग कर देंगे सेव। अब रिपोर्टिंग पे आते हैं, तो रिपोर्टिंग पे हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ छोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट पे आते हैं GDPR रिपोर्ट्स पे, इसमें भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अदर्स पे आते हैं, ये मेरा ईमेल है जो कि जिससे मेरा कन्वर्सेशन रहेगा, इस पे रिप्लाई आएगा, और ये मेरा टाइम जोन है जो हमने सेलेक्ट किया था अपने शॉपिफाई के स्टोर पे, इसको सेव कर देंगे सेटिंग को। दोस्तों अब बात करते हैं उबरलो के एक्सटेंशन, जो कि हमें गूगल क्रोम में अपने उसको ऐड करना है, जिससे आपका काम बहुत ही इजी होने वाला है। तो गूगल में फाइंड आउट कर लेते हैं उबरलो एक्सटेंशन फॉर क्रोम, इसने हमें डायरेक्ट लिंक दे रखा है एक्सटेंशन का, इस पर क्लिक कर देंगे, ऐड टू क्रोम कर देंगे इसको, ऐड एक्सटेंशन, अब हमारा उबरलो का अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है क्योंकि हमने अपने स्टोर से इसको लॉगिन किया है, स्टोर भी हमारा लॉगिन है, एक्सटेंशन हमारा आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है ये। अब ये हाईलाइट तब होगा जब हम अली एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाएंगे, अली एक्सप्रेस की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, और मैं डेमो के लिए आपको एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाऊंगा, वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ही हो, मैं एक नॉर्मली सा एक कोई भी प्रोडक्ट आपको ऐड करके दिखाता हूँ, जैसे स्मार्ट वॉच ले लीजिए, इस पर क्लिक करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिख रहा है हमने, ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, आई कैचिंग है इसमें, वाओ भी प्रोडक्ट है, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आजकल ट्रेंडिंग में है, आप इसको भी ऐड कर सकते हो और सेल कर सकते हो। तो देखो आप इस पे, ये लगभग $10 से लेके $76 तक का है ये, क्योंकि इसमें अलग अलग पीसीज हैं, किसी में 1 पीस है, 3 पीस है, 7 पीस है, 10 पीस है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका प्राइस है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये प्रोडक्ट आपके ऐड करने के लिए बेस्ट रहेगा, मैं इसको ऐड कर देता हूँ ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट, इसमें सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा, ये प्रोडक्ट बहुत सही आपके लिए मिल गया, ओपन टू इम्पोर्ट लिस्ट पे क्लिक करूँगा उसके बाद में। अब आप ये देखोगे कि एकदम कुछ ही क्लिक किए मैंने और ये मेरे उबरलो के डैशबोर्ड में आ गया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से भी इसकी सेटिंग कर सकता हूँ, जैसे आप देख सकते हो तो यहाँ पर प्रोडक्ट है, डिस्क्रिप्शन है, वेरियंट हैं, इमेजेस हैं, कौन कौन सी इमेज हमें इम्पोर्ट करनी है वो यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं, और जो इमेज हमें नहीं करनी वो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। जैसे अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये इमेज आ गई है, ये सही है, इसका बैक स्पेस दिखा दिया है, कलर दिखा दिया, दूसरा कलर दिखा दिया, ओके ये सेम इमेज हो जाएगी, इसको करते हैं इम्पोर्ट टू स्टोर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमारा सीधा पहुँच जाएगा शॉपिफाई के स्टोर में। अब यहीं से हम अपना डायरेक्ट एडिट प्रोडक्ट ऑन शॉपिफाई, ये हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट पेज पे ले जाएगा, और वहाँ से हम अपने शॉपिफाई के स्टोर में इस प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं। अब आप देखो ये प्रोडक्ट ऐड होकर यहाँ पर आ चुका है, तो जो इमेज मैंने सेलेक्ट की थी वो इमेजेस आ चुकी हैं, 1 पीस, 3 पीस, 7 पीस, 10 पीस, ये इसके वेरियंट आ चुके हैं, क्वान्टिटी जितनी स्टोर पर उसके पास अवेलेबल होगी वो है, इसका SKU आ गया, और इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, ऑल वेरिएंट पे क्लिक कर देते हैं हम। अब हमें इसके प्राइस भी शो होने लगे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने जो वहाँ पर प्राइस सेट किए थे उबरलो की सेटिंग में, 3 टाइम मैंने सेट किया था प्राइस, और कंपेयर प्राइस सेट किया था मैंने 5 टाइम। तो जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर इसका प्राइस है 9.45, तो इसका अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बैठेगा लगभग
28.999 ये है हमारा जो सेंट हमने सेट किए थे, तो ये प्राइस हमारे आ चुके हैं कंपेयर होके। अब आपको इमेजेस सेट करनी है। देखो इमेज सेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर वेरिएंट की इमेज यहाँ से आप अपलोड करा सकते हो। मैंने इसी वजह से आपसे कहा था कि मुझे वेरिएंट मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसको हर वेरिएंट को एक इमेज दे देता हूँ। कैसे करते हैं, तो 7 वाले को दे देते हैं हम ये इमेज। इस तरीके से आप अपने वेरिएंट को, चाहे वो कलर का हो या साइज का हो, उसको एक उसकी स्पेसिफिक इमेज दे सकते हो। प्राइस आ चुका है। अब ये डिस्क्रिप्शन जो आया है इसको एज इट इज़ नहीं रखना। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेहनत करनी है, अपना लिखना है, एसईओ के अकॉर्डिंग लिखना है, और सबसे मेन चीज़ टाइटल, टाइटल भी आपको चेंज करना है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आपको कि कैसे आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखोगे, कैसे टाइटल लिखोगे, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे वेंडर आप सेट करोगे, कलेक्शन कहाँ से सेट करोगे, टैग कैसे लगाओगे इमेजेस में। जैसे इमेज आपको खुलेगी तो इसको आप इमेज को एडिट करोगे, यहाँ पर इसको क्रॉप कर सकते हो। जैसे ये ब्रांडिंग आ रही है तो ये ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए, हम इसको डिलीट करेंगे ब्रांडिंग को, इस इमेज को हम यूज़ नहीं करेंगे। हमें सिर्फ वही इमेज यूज़ करनी है जिस पे कोई ब्रांडिंग ना हो। जैसे आप देख सकते हो ये इमेज, अगर मैं इसको देखूँ तो ये प्लेन इमेज है, सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज है, इस पर कोई ब्रांडिंग नहीं है। तो अगर जैसे जो इमेज ब्रांडिंग के साथ होंगी हम उसको डिलीट कर देंगे। मैं इस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, आपको कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाना है, कैसे टाइटल बनाना है, कैसे इमेज सेट करनी है, कैसे इमेज ऐड करनी है, और कैसे इमेज का एसईओ करना है। तो अभी मैं सिर्फ आपको डेमो देना चाह रहा था। तो अगर जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो ये प्रोडक्ट हमारा पब्लिश हो जाएगा। मैनेज पे जाके हम ऑनलाइन स्टोर कर देंगे, इसको कर देंगे डन। अभी हमारा प्रोडक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारा स्टोर ऑनलाइन नहीं है तो सिर्फ मैं ही इसको देख सकता हूँ, क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ये, अभी मैंने इसको लॉन्च नहीं किया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा दिखेगा प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे। तो अभी हमारा प्रोडक्ट ये इस तरीके से ऐड हो चुका है। अब मैंने जो आपको दिखाया था ना कंपेयर प्राइस, जो कॉस्ट का ये 5 टाइम है, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट थी वो थी आपकी 9 पॉइंट समथिंग, तो उसका जो 5 टाइम है ये 47 पॉइंट आ चुका है, ये उससे मल्टीप्लाई हो चुका है, और हमारा प्राइस है 3 टाइम। इसीलिए मैंने वहाँ पर सेट किया था प्राइस को। आप देख सकते हो कि ये वेरिएंट, हमने 4 वेरिएंट हैं इसमें, तो वो हमारे उसके अकॉर्डिंग आ चुके हैं ये। और ये जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन वहाँ का पड़ा हुआ था वो भी आ चुका है। तो ये इस तरीके से आप अपने वेबसाइट पे, अपने स्टोर पे उबेरलो के थ्रू प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में इसको ऐड कर सकते हो, डिफरेंट वेरियंट में ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक स्पेशल वीडियो में, जिसमें मैं आपको प्रोडक्ट का एसईओ भी करना दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल वे था उबेरलो के थ्रू आप अली एक्सप्रेस से अपने प्रोडक्ट, आपने जो फाइंड आउट किए, जिन प्रोडक्ट की आपने रिसर्च की है, वो प्रोडक्ट आप अपने स्टोर पे इंपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे, जो प्रोडक्ट लगता है कि आप सेल कर सकते हो, उसकी सेल आ सकती है, लोग उससे पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी उससे पैसा कमाओ, उस प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट करो, कैटेगरी बना लो अपने प्रोडक्ट की, हर कैटेगरी में प्रोडक्ट डालते रहो। देखो ये फ्री है, कोई आपको पैसा तो लग नहीं रहा है, आपको सिर्फ उबेरलो इंस्टॉल करना है, उसके थ्रू प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट को लेके आना है, अपनी वेबसाइट पर डाल देना, उसका अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बनाना है, और अच्छा से प्राइस सेट करके उसका अच्छा सा नाम रख के अपनी वेबसाइट पर रखना है, और उसकी कैंपेनिंग करनी है या फिर उसकी एसईओ करना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप एक अच्छा सा उसका एसईओ कर लो और आई कैचिंग उसका टाइटल रख लो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप उबेरलो के थ्रू अली एक्सप्रेस से अपने शॉपिफाई स्टोर पर प्रोडक्ट ऐड करा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको दबा दो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।